देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो हवाओं में लिखा जाता है, हवाओं का रुख बता देता है कि अब क्या होने लगा है। हवाओं का रुख सियासी महाज के हवाले से बहुत कुछ खबर देता है। इसी हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो ताज़ा तरीन इतलात वो आज आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। मियां साहब का जो मौजू है वो गुज़श्ता एक डेढ़ साल से काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस रहा, ख़ास तौर पर जब वो पिछली हुकूमत का घर जाना और ख़ुद उनके भाई का हुकूमत का संभाल लेना और उसके बाद से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर हर वक्त ये बहस जारी रही कि मियाँ साहब की वतन वापसी क्या होगी, नहीं होगी और होगी तो कब होगी। वतन वापसी पर मियाँ साहब की गिरफ्तारी होगी या फिर मियाँ साहब का एक बेमिसाल तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। ये सारे मामलात और सवालात उठते रहे लेकिन आज ये सारे सवालात के तकरीबन जवाबात मिल चुके हैं। आज इस हवाले से अदालती कार्रवाई हुई और अदालती कार्रवाई के नतीजे में ये बात सामने आई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो जमानत है उसको मंजूर किया जा रहा है और 24 तारीख तक मियाँ साहब को अदालत में पेश होना होगा। मंगल तक मियाँ साहब की ये जो जमानत है उसको मंजूर किया गया और 24 तारीख की दिन जब मियाँ साहब अदालत में पेश होंगे तो फिर आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अब जो जमानत मंजूर हुई है तो 24 तारीख को भी इसमें तौसी बआसानी तौर पे हो जाएगी। मियां साहब का जो अब तक जो प्लान नजर आया है उसमें ये नजर आ रहा है कि मियां साहब दुबई के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उनके हमरा सहाफियों की और उनके दोस्तों की एक बड़ी तादाद शामिल होगी और फिर वो वहां से बाय रोड लाहौर का सफर करेंगे और वहां पर एक बड़ा जलसा PMLN करने की कोशिश करेगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे सीनियर साहब इतजियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब पाकिस्तान में सियासत में कब क्या हो जाए ये कुछ भी कहना कबल उस वक्त होता है लेकिन मियां साहब की वतन वापसी को लेके जो सवालात थे आज मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो तमाम तरह सवालात के जवाबात मिल चुके हैं और मियां साहब को एक ग्रीन सिग्नल वाजे तौर पर दे दिया गया है कि वो बआसानी तौर पर वतन वापस आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबसे बड़ी बात ये है कि नैब जो अथॉरिटी है जिसका काम जो है वो एहतसाब करना है, हिसाब किताब करना है, उसने नो ऑब्जेक्शन दे दिया फ्रॉम द नैब। नवाज शरीफ जो कि मूव करेंगे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर बेल, तो एक तो बहुत बड़ा दरवाजा ये खुल गया जिसका सबसे बड़ा खौफ था ये कि नैब का तो काम ये नहीं है कि वो जो इस तरह देखें नेट के, अब आप उसने जो है वो दरवाजा भी खोल दिया, बेल का भी इंतजाम हो गया, इस्लामाबाद में उनकी बेल भी हो सकती है और उसके लिए वो रुजू भी कर देंगे आते ही इस्लामाबाद। ये सारी जो चीजें हैं और इससे तो बिल्कुल बहस ही नहीं रहती हैं, अब इसमें कोई डाउट ही नहीं रहता है कि ये सारी ढील हुई है और ये ढील पहले ढील देखी गई थी, आज ढील भी प्रूव हो गई है। अब जो चीजें अब किस तरह ये डील और ढील का गेम चल रहा है, इन मसला ये है कि आगे चल के अवाम की कबूलियत के जब वो आएंगे दायरे में आएंगे तब मालूम ये होगा कि इनकी तमाम तर काविशों का नतीजा जो इन्होंने कहा है जो है एमिरेट से भी जो है मुत्तहिदा अरब अमारात से भी जो है इनको एक थपकी मिली है कि भाई ठीक है खुदा बेहतर करेगा तुम जाओ कुछ नहीं होता, और जो जिस तरह और भी हैं सऊदी अरब भी हैं ये पहले भी ये लोग काम आते रहे लेकिन अगर अभी ये मफूजा था, लेकिन एक चेन से अगर चीजें एक ही अलाइनमेंट में चल रही होती हैं और एक ही संत में जा रही होती हैं तो इसका तो मतलब साफ जाहिर है, इसमें कौन सा क्वेश्चन रहेगा। जाकिर साहब जरा ये बताइएगा जो आप कह रहे हैं कि मतलब साफ जाहिर है, मियाँ साहब का जो स्टेटस था अब से कुछ देर पहले तक वो एक मुजरिम का था, एक इश्तिहारी का था, एक मफरूर का था और गालिबन ये स्टेटस पिछले 5 साल तक मेंटेन रहा। इससे पहले वो जेल में रहे कुछ अरसा और उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए इलाज की गर्ज से। अब सडनली ये जो तब्दीली हुई है, अगर इतनी आसान थी और ये कुछ इतना ईजी होना था तो ये 5 साल पहले क्यों नहीं किया गया, 1 साल पहले क्यों नहीं किया गया, उनके भाई की जब हुकूमत थी तब क्यों नहीं किया गया और अब ये जो कुछ हो रहा है उसकी क्या वजूहत है। यार ये बीच के अंदर जो आपने जो बयान दिए इससे तो साफ जाहिर है कि ये इनको सूटेबल सिचुएशन नहीं थी, इनके पास इनके लिए खेलने के लिए मैदान ही नहीं था, ये जीत समझ ही नहीं, इनको इतनी आजादी नहीं थी। एक तब्दीली आई है, पूरा सिनारियो तब्दील हुआ है जिसकी वजह से इनको कॉन्फिडेंस आया है
अब ये खेलना भी चाहते हैं, जीते ना जीते ये तो एक अलग सवाल है, मुकम्मल सवाल है, इसका जवाब पर अगर दौड़ाए मियां साहब को अकेले जाए रेस में तो फिर तो जीत पक्की है। नहीं, दौड़ाएंगे तो सारे ही दौड़ेंगे, तो समझे सर, अब दौड़ के नतीजे में क्या होगा, ये थकार के कितने गिरेंगे और कितने रहेंगे ये तो दौड़ बताएगी ना। सही, ये दौड़ाना ही तो सही से सारा। लेकिन जहांगीर साहब ये वाजे नहीं हो चुका कि अब तक जो कुछ सूरतहाल बन रही है जिस अंदाज से इलेक्शंस का नतीजा भी तकरीबन लोग कह रहे हैं कि फाइनलाइज हो चुका है, वो बस एक कागजी कार्रवाई है और वो एक दिन की कार्रवाई होगी, उसके बाद नतीजे आगे पीछे करके बता दिए जाएंगे, ये एक माइंडसेट तो है, एक सोच तो प्रिवेल कर रही है माशरे में। देखिए आईनी इदारा है वो, जैसे जो हमारी अदालतें हैं आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, तो इस तरह की बातें वक्त पहले कहना एक मुजरमाना फील के में आता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आईनी इदारे को आप चैलेंज कर रहे हैं, जैसे आप हमको सुप्रीम कोर्ट को कह दें कि ये बदियानत है, ये ब्रीच करती है, ये तो इस तरह तो नहीं होता ना। तो अब ये जो जब आप जिस तरफ आपने इशारा किया है उसमें ये है कि ये जो सूरत हाल बनेगी क्या और ये जो रुकावटें हैं ये हटती भी नजर आ रही है, और मियां नवाज शरीफ को खेलने का हमवार मैदान में मिलेगा, सत्ता भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ये तो सब मौजूद है। लेकिन जहांगीर साहब एक सवाल यहाँ पे ये भी तो है ना कि जो इस वक्त प्रिडिक्ट किया जा रहा है या जो आप कहें कि दीवार राइटिंग ऑन द वॉल को शायद हर कोई पढ़ सकता है, अगर वही कुछ हो जाता है नतीज भी वैसे ही आ जाते हैं तो फिर तो ये सारा प्रोसेस पूरा मुतनाजा हो जाएगा, फिर लोग सिस्टम के ऊपर लोगों का जो एतमाद है, जो हम जमहूरियत की बात करते हैं आप और मैं जमहूरियत के लिए कोशिशें करते हैं, वो फिर क्या उसका होगा भाई, फिर जमहूरियत की बात तो करते रहेंगे, वो गेम कोई भी होता रहे जमहूरियत की बातों के किसने रोका है, अभी भी होती रहेंगी, फिर भी बाद में होती रहेंगी, बड़े मार्शाला में भी जमहूरियत की बातें होती रही है। हम ये जो कहना चाहते हैं कि जमहूरियत की बातों से आपको कोई नहीं रखता, लेकिन जमहूरियत मजबूत हो रही है नहीं हो रही है सवाल ये पैदा होता है, इस तरह के इकदाम से जमहूरियत मजबूत होगी जहांगीर साहब, ये एक सवाल है, ये सवाल है कि जनाब इस तरह की जब चीजें आएंगी, जो समझौते होंगे, सेटल डाउन हो रहा होगा, चीजें अपनी जगह पकड़ रही होंगी, शतरबाजी चल रही होगी, तो फिर तो ये आप देख लेंगे जमहूरियत क्या है, अभी भी जो है जमहूरियत जमहूरियत नहीं है, जब जो है वो फिर भी जमहूरियत जमहूरियत नहीं होगी, और पता नहीं कब तक ये जमहूरियत जो हकीकी जमहूरियत होते हैं जिसमें जो है बुनियादी हकूक मिल रहे होते हैं वोट के, उसकी सदाकत और सच्चाई कब साबित होगी, ये तो जाहिर है। आपने एक और बात की है कि अवामी मकबूलियत, आपको लगता है कि एज ऑफ नाउ मियां साहब के पास उस हद तक अवामी मकबूलियत मौजूद है? ये दो चीजें, अवामी मकबूलियत ये जलसे जुलूस करके अपने लोगों को ला के और ये साबित करते हैं, ये तो हम पीटीआई के लीडर पर भी ये था कि जनाब वो लोग निकाल लाते हैं, लेकिन बाद में जो हुआ है उसके नतीजे में हम लगता है मकबूलियत उनकी है, मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत भी तो साथ साथ चल रही होती है ना, तो ये चीजें अभी देखें कि होता क्या है, और ये यहाँ का कोई पाकिस्तान का जो इलेक्शन है ना वो तो जाहिर इलेक्शन होता है, क्योंकि हुकूक नहीं मिले हुए अवाम को, अब वो कब्जे में है कि एक न किसी के, कुछ कोई लॉर्ड्स के कब्जे में, कुछ किसी के कब्जे में, कुछ किसी के कब्जे में, अब कब्जा जब हो पहले से जो है कब्जा हो तो उसको एक आजाद जमहूरी अमल कैसे करार दिया जा सकता है, अब तक तो हुआ नहीं है, अगर आपकी जाने से बाबा आपने गालिबन वो स्टेटमेंट सुने होंगे कि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा है जो आवाम को जलसे में बुलाने की दावत दे रहे हैं, कोई जन्नत के सर्टिफिकेट बांट रहा है, कोई उसको इसाले सवाब करार दे रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डेस्परेशन है? ये जो हमारी कौम चली इसलिए रही है, हम ये नहीं, नवाज शरीफ साहब ने सबसे बड़ा कारनामा ये अंजाम दिया कि भूखों को मुफ्त आटा बांट दी, सही, कौमी खजाने से बांटा ना, जी जी, शोहरत किसके पास मिली है, ठीक है ना, ये जो ना ये हुकूमत का काम होता है, उसमें कोई टैग की जरूरत नहीं होती है, अब आपने वो बांट दिया, अब आप ये कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें आटा दिया था दो दिन चार दिन दो हफ्ते तुम्हें हमें इतनी आसानी दी, तो भाई कहाँ है, हम नजर आ रहे नहीं आ रहे,
जहांगीर साहब, इस पर निगरा हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि निगरा हुकूमत का जो रवैया है वो भी बड़ा काफी ज्यादा मुतनाज़ नजर आ रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद बायस भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ लगातार लाहौर में जलसे के लिए दरख्वास्त देती है तो वो दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है, ये जानते हुए भी कि उस जलसे में शायद तहरीक इंसाफ की कोई भी सीनियर सियासी क्यादत मौजूद ना हो, उस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन वहीं पे उसी मुकाम पे नून लीग को जलसे की इजाजत मिल जाती है और उसके लिए सारे रास्ते भी खोले जाते हैं, रुकावटें भी दूर की जाती हैं। तो निगरान हुकूमत का ये तर्ज अमल आपकी समझ में आ रहा है? देखिए, निगरान हुकूमत जो है, अगर इसको कहें कि मैदान साफ करो, हमवार करो, तब वो बताएगी ना, जो बनाते हैं क्रिकेट की विकेट भी बनाते हैं वो बताते हैं कितने दिन लगेंगे, क्या मसला है इसमें, कितने पत्थर हैं, इसकी कितनी चट्टाने हैं, काम बहुत होता है सर जी। अब ये निगरानी का काम जो है, आप ये समझ रहे हैं ये काम खत्म हो जाएगा? आपको साफ नजर नहीं आ रहा है ये रफूगरी जिसको कहते हैं ना, जो चाक दामा हमारा गिरेबान है और रफूगरी का काम दे दिया गया है। अब ये इस कौम का जो है चाक गिरेबान इतना आसान है सीना, इसको इस हालत में लाना है। अब ये देखिए, डॉलर की खुशियां मना रहे थे और बड़ा प्लांटेड जो है डॉलर रोजाना एक रुपए गिर रहा था, अचानक उसने जो है फिर ऊपर से जंप लगाई है और 3 रुपए पड़ गया है। अब कोई पेशगोई भी तो हम नहीं कर सकते ना, क्या हम जाग आ रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात भी करना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि चले मियां साहब आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, ये भी मानना है कि मियां साहब आ तो रहे हैं लेकिन वो शायद आके फंस ना जाएं वापस से इसमें। देखें, समझदारी होती है, इतने आसान और इतने मासूम लोग नहीं होते हैं। इसमें एक सेकेंडर होता है, जब ऐसी सूरत हाल होती है ना, वो सेकेंडर होता है लगाते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई आईन सुकुम आ जाए, प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ साहब काम ना कर सके, उसकी पहली अलामत तो आ गई। तो वहां से जो है एक बैरूनी अखबार ने, गैर मुल्की अखबार ने बता दिया कि उनकी दिल की सेहत सही नहीं है और वो किसी भी वक्त खतरे में जा सकते हैं, किसी वक्त एडमिट हो सकते हैं। एक तो चीज आ गई है कि भैया ये वजीर आजम इस तरह से इस सेहत का आदमी तो नहीं चल सकता, 4 दफे की बारी हो अब आखिरी आसम, और ये तो बड़ा ऐसा क्रूशल टाइम है। अब उसके लिए क्या है कि इनके बाद ये कोई ना कोई, इनके पास कई सारे जवाब हैं, ये पार्क हो जाए और शहबाज शरीफ आके खड़े हों, वो भी उन्हीं की जमात है। शहबाज शरीफ को आ जाए तो मरीम नवाज आ जाए, तो भाई तरतीब और जो सरबंदी है तो इन्हीं की है ना, इन्हीं के खानदान की है ना, तो कहाँ जा रहा है। लेकिन जागीर साहब, सवाल आप तो फिर ये भी उठाए जा रहे हैं कि मियां साहब जो के इतने अलील थे, और यकीन तौर पे हम दुआगो हैं कि वो सेहत याब हों और मुकम्मल सेहत याब हों, लेकिन सवाल आप तो ये उठाए जा रहे हैं कि मियां साहब जो के इतने ज़्यादा अलील थे कि उनके लिए सफ़र करना मुश्किल था, पाकिस्तान में इलाज मुमकिन ना था, वो यूके से सऊदी अरब, सऊदी अरब से दुबई, दुबई से फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से बायरूट, लाहौर, लाहौर में एक जलसा, क्या उनकी सेहत अब ये सब चीजों की इजाजत देने लगी है? और अगर ये सब कुछ होगा तो क्या जो आज से चंद साल पहले अदालत में जो जुज पेश किया गया था वो जुज फिर दुरुस्त था या नहीं? देखिए, जब आप पीछे माजी में निकलेंगे ना तो कितनी गंभीर घटनाएं आपको नजर आएंगी, कुछ नजर नहीं आएगा। ये सारे खेल होते रहे हैं और अब फिर रिपीट भी हो सकते हैं सब खेल, कि नवाज शरीफ आएंगे, नवाज शरीफ को क्या इम्कान है। मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ जो है मोबिलाइज करने आ रहे हैं, और ये नून लीग का ये दावा है और सब फख्र ये है कि नवाज शरीफ को जो है आवाम बहुत चाहते हैं, उनके आते ही भीड़ आ जाएगी और बड़ी रौनक का मेला लग जाएगा और वोट की इज्जत दो का नारा जो है वो आसमान से बातें करेगा। ये जब यहाँ आएंगे ये थ्रिल होगी, लेकिन ये सबको मालूम है कि ये इतने इतने ताकतवर नजर नहीं आते हैं जितने के वो हरकत वो जो इस तरह की हरकत वो जो करते हैं ना, वो तो बड़ी उसमें 10 आदमी इधर बहुत होती है, लेकिन जब पब्लिक गैदरिंग में आते हैं उसमें
और जब मसाइल आते हैं जिसका सामना करना पड़ता है और बड़े बड़े मसाइल आते हैं उसके लिए टेम्परमेंट चाहिए। जानकी साहब एक सवाल आखिरी ये भी बताइएगा क्योंकि इस बहुत बात की जा रही है कि जब मियां साहब आएंगे तो हो सकता है ये एक शॉर्ट स्टे हो, वो अपनी पार्टी को जैसे आपने कहा मोबिलाइज करके थोड़ा रिचार्ज करके एक्टिव करके एक परसेप्शन क्रिएट करें और फिर वो वापस से पाकिस्तान से चले जाएं और फिर जो सियासी बागदौड़ है वो उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब संभालते दिखाई दिए। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मियां साहब एक गेम सेटल करने के लिए आए और फिर ये गेम तैयार करके शहबाज शरीफ साहब के तो मोबिलाइज कहते हैं इसी की यही तो बहस है हमारी कि भाई दिक्कत जो काम जो है वो जो सतह जमीन पे होता है अभी उतरने तो दें और जो चीजें नजर आ रही हैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं। दूसरे लफ्जों में मैंने कहा जो सवाल आपने उठाया है कि भाई इसी तरह है मोबिलाइज करेगा और जो है ये सारी रौनक कौन लगाएगा रौनक मेला लगाएगा फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ के बारे में तो बहुत उम्मीद है उनको कबूलियत हो ना हो ये बहस अपनी जगह पे रहेगी कि शहबाज शरीफ को दोबारा इख्तदार दिया जा सकता है वो आवाम दें या जो है वो ले लें किसी तरह। यहाँ तो सब कुछ होता है ना भैया। जानकी साहब उसमें सियासी मुखालफिन का रद्द अमल कैसा देख रहे हैं? एक जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि खोल के बरमला इस बात का इजहार कर रही है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा हो रहा था वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है, तहरीक इंसाफ ऑलरेडी हम जानते हैं कि उसका एक बड़ा क्लियर मौकफ है इस हवाले से, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों में इस तब्दीली के बाइस कुछ परेशानी होगी, कुछ सोच विचार हो रहा होगा? जी जी देखिए इसके लिए भी एक बड़ी जबरदस्त बात है हंगामा हुकूमत आएंगी क्योंकि सब कुछ किसी के पास मेजोरिटी नजर नहीं आती। हालात ने इतना बदनाम कर लिया है इस अभी जो इत्तेहाद था 13 का इत्तेहाद 14 का इत्तेहाद बना है एक की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। अब मसला ये होगा कि ये जब होगा तो एक अंगब होगा एक होगा एक में जो बटेगा बड़े को बड़ा हिस्सा मिलेगा छोटे को छोटा हिस्सा मिलेगा। अवामी सतह पे भी प्लेटिंग के जरिए भी यही हो सकता है और अगर कोई पहले की कहानी होती है जो इस तरफ इस वक्त नहीं नजर आ रही है। जानकी साहब आखिरी चीज ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के जो सरबरा है ये जो दीगर लीडरान हैं उनके हवाले से क्या कोई इतलात हैं? क्योंकि कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि निगरान हुकूमत है जो पंजाब की उसकी पंजाब में तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप है क्यादत है उससे मुलाकात हुई है और बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इलेक्शंस को एक अच्छे माहौल में कराने के लिए बातें भी की गई हैं कुछ इस हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है, तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ गेम में रहेगी और उनके लिए कुछ ना कुछ आसानियां आगे चल के नजर आ रही हैं आपको? देखिए तो तहरीक इंसाफ गेम में रहेगी और जो है पहले भी हमने दूसरे लफ्जों में कहा था कि ये बहुत बड़ा धान है ये पार्टी इसके अंदर से बहुत सारी जो है वो निकाल ले जा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े निकाले जा रहे हैं जिसे कटपीस कहते हैं तो ये कटपीस जो है निकल के मुतासर कर सकते हैं लेकिन तहरीक इंसाफ की अपनी अपनी ताक मौजूद है अभी भी आवाम की सतह से मौजूद है उनका हेड हो ना हो माइनस हो प्लस हो सब कुछ हो लेकिन अगर वो इख्तदार में मजबूत तौर पर आते हैं तो फिर तो जो है वो हेड ऑन हो जाएगा समझेगा ये जो उनको उनके लीडर दस्तियाब हो सकता है किसी पावर से ये सारी चीजें अगर हमारे खास मखसूस हालात ना होते हैं तो इस पर तबसरा करना बहुत आसान होता। अगर एक मजबूत रवायात का वैल्यू का ये मुल्क होता है जिसकी सारी आईन और कानून हर चीज की वजेदारियां और रिवायत होती तो ये तो कोई बात ही नहीं थी क्या होना है क्या नहीं होना लेकिन हम मखसूस हालात में जब देखते हैं तो कितना मुश्किल होता है तबसरा करना तजिया करना क्योंकि जो नजर आता है वो सब फ्रॉक है सब जो है धुंधला है आगे का मंजर धुंधला है क्या होना है क्या नहीं होना है जो सरसरी चीजें नजर आती हैं उस पर हम तबसरा कर देते हैं। अल्लाह बेहतर करे हम जम्मूत मजबूत हो
जमहूरियत मजबूत होने से तो जमहूर मजबूत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है उस हवाले से आपने गुफ्तगू की। ये बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस हवाले से शायद कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो, लेकिन जो फिलहाल नज़र आ रहा है, जो कुछ देखा जा सकता है, जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है, उस माहौल में ज़्यादा कुछ कहने और सुनने की गुंजाइश भी नहीं। इनफैक्ट ये कहा जाए कि जो कुछ हो रहा है वो बाकायदा अपनी मंजिल को पहुंचता दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर इतना ही कहेंगे फिलहाल आज के लिए। अपने मेज़बान उनको इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।